नमस्कार, मैं हूँ दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 जून दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने वाले बच्चों का आधार कार्ड जमा होना अनिवार्य। बिहार में अपराधियों को सरकार का सख्त निर्देश। आज बिहार के इन जिलों में भारी बारिश की है संभावना। बिहार के सब्जी उत्पादक दुबई और नेपाल में करेंगे सब्जी का निर्यात। आज मिर्जापुर 3 का ट्रेलर होगा रिलीज। आज अफगानिस्तान के साथ भिड़ेगी इंडिया टीम। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 150 पदों पर निकाली भर्ती। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 150 पदों पर भर्ती आई है। ये भर्ती सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर, रिस्क स्पेशलिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पदों पर निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 जून है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही IIBFA से फॉरेक्स में सर्टिफिकेट कोर्स किया हो। उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। इस भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने वाले बच्चों का आधार कार्ड जमा होना हुआ अनिवार्य। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले या एडमिशन लेने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए एक जरूरी दिशा निर्देश है। दरअसल बच्चों के आधार कार्ड को सरकारी स्कूलों में नए सत्र से अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आधार नंबर के नए सत्र में 1 से 8वीं तक के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकेंगे। वहीं जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिए हैं उन्हें 30 जून तक अपना आधार नंबर स्कूल में जमा करवाना ही होगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों के एनरोलमेंट की संख्या के मुताबिक सभी बच्चों के आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। आज सीएम नीतीश ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। आज एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ये बैठक आज सुबह 11 बजे सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता स्वयं नीतीश कुमार करने वाले हैं। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में रोजगार और नौकरी पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। सरकार ने जो इसे लेकर लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन पर भी चर्चा की जा सकती है। कैबिनेट विभाग ने कैबिनेट की बैठक को लेकर लेटर भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अभी बीते 14 जून को ही कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। जानिए ट्रेन में यात्रियों को क्यों नहीं मिलती मन मुताबिक सीट। भारतीय ट्रेन में यात्रा करने वाले कई लोग हैं। आपने कई बार ट्रेन का टिकट बुक करते समय ये ध्यान दिया होगा कि IRCTC हमें अपने मन मुताबिक सीट बुक करने की अनुमति नहीं देती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसकी वजह बताएंगे। दरअसल ट्रेन से यात्री एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। ट्रेन इस दौरान गति में होती है, इसलिए इस ट्रेन के भार को बैलेंस करने के लिए IRCTC अपने मुताबिक लोगों को टिकट देती है। यहाँ लोगों को अपने मन मुताबिक सीट चुनने की अनुमति नहीं होती। ट्रेन में सबसे पहले लोअर बर्थ बुक होता है, इससे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कम होता है। वहीं बीच डब्बे में पहले सीट देकर ट्रेन में भार और समानता को बैलेंस किया जाता है। बिहार में अपराधियों को सरकार का सख्त निर्देश। बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए सीएम नीतीश ने इन्हें सख्त चेतावनी दी है। दरअसल नीतीश कैबिनेट के मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा इन अपराधियों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस अब अपराधियों को देखते ही गोली मारेगी। सरकार ने फैसला लिया है कि जो अपराधी राइफल और बंदूक लेकर घूमेंगे उन्हें देखते ही गोली मार दी जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने एक SIT का गठन किया है, जिसमें पुलिस को ऐसे अपराधियों को गोली मारने का आदेश है जो अवैध राइफल गोली लेकर चलते हैं। एक साथ 2.5 लाख से भी अधिक नियोजित शिक्षकों की हो सकती है काउंसलिंग। शिक्षा विभाग की तरफ से सक्षमता परीक्षा पास करने वाले 1,87,615 नियोजित शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब आने वाले कुछ ही दिनों में दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा। अब इसे देखते हुए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पहले और दूसरे चरण की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग एक साथ करवाई जा सकती है।
दूसरे चरण की परीक्षा में 85,000 के करीब में परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। ऐसे में 2.5 लाख के करीब में नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग एक साथ करवाई जा सकती है। इस मामले पर जल्द ही विभाग द्वारा औपचारिक निर्णय लिए जाएंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे श्रेया नारायण के बारे में। श्रेया नारायण का जन्म आज के ही दिन वर्ष 1985 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये पेशे से एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री, मॉडल, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की परपोती हैं। इन्होंने कोसी नदी के बाढ़ के दौरान प्रकाश झा के साथ बिहार बाढ़ राहत मिशन पर भी काम किया था। इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मों में अपनी अहम भूमिका अदा की है, जिसमें एक दस्तक, नॉकआउट, राजनीति, तनु वेड्स मनु आदि शामिल है। गैस सिलेंडर की आग से बचाव के लिए अपनाई ये उपाय। गैस सिलेंडर की आग से सुरक्षा और बचाव के लिए आईपीआरडी बिहार ने कुछ जानकारी साझा की है, जिसके तहत बताया गया है कि किचन में हमेशा सिलेंडर सीधा या खड़ा रखें। गैस सिलेंडर लेते समय पानी से जांच लें कि बुलबुला दे रहा है या नहीं। कपड़ों में आग लगने पर भागने की बजाय जमीन पर लुढ़कें या कंबल में लपेट कर आग बुझाएं। खाना बनाते समय चूल्हे पर रखे बर्तन को पल्लू से नहीं पकड़े। चूल्हे पर उबलते चाय या दूध को छोड़कर किचन से बाहर ना जाए। किचन में हमेशा एक सूती कपड़ा भिंगो कर रखें, ताकि आपात स्थिति में आग को बुझाया जा सके। किचन या घर में सिलेंडर गैस की गंध आने पर घर के इलेक्ट्रिकल पैनल और स्विच से छेड़छाड़ ना करें। रेगुलेटर का पाइप समय समय पर साफ करते रहें, साथ ही समय पर पाइप को भी बदलें। जलते हुए चूल्हे को पहले रेगुलेटर से, उसके बाद ही स्टोव वाल्व से बंद करें। आज मिर्जापुर 3 का ट्रेलर होगा रिलीज। मिर्जापुर 3 इस साल की मोस्ट अवेटेड सीरीज में से एक है। इस सीरीज का इंतजार करने वाले फैंस को बता दें कि मिर्जापुर 3 के ट्रेलर की रिलीज डेट भी अनाउंस की जा चुकी है। दरअसल मिर्जापुर 3 की स्टार कास्ट के साथ मेकर्स ने एक नया पोस्टर जारी किया है। इसके कैप्शन में लिखा है, छल कपट सह मात मिलेगी एक झलक इस गद्दी के खेल की। आज मिर्जापुर 3 का ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा। वहीं इस जुलाई अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह सीरीज रिलीज कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी अब लगाएंगे जनता दरबार और परिवादों का करेंगे निपटारा। जिला और प्रखंड स्तर पर पदाधिकारियों द्वारा शिक्षा विभाग में कार्य के सरल और सुचारू रूप से निष्पादन के लिए परिवादों की सुनवाई की जाएगी। सप्ताह में एक दिन कार्य अवधि के दौरान अधिकारी द्वारा जनता दरबार लगाए जाएंगे। तभी सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की उपस्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर परिवादों को सुनने के लिए बुधवार को शाम 4 बजे से 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया है कि शिक्षकों और छात्रों के साथ ही अभिभावकों की शिकायतों को प्रमुखता के तौर पर नियत समय में निपटारा किया जाएगा। आपको बता दें कि आदेश 18 से 30 जून तक प्रभावी है। प्रसिद्ध सीमेंट कंपनी जेके लक्ष्मी बिहार में उद्योग लगाने की कर रही तैयारी। बिहार में लोग निवेश करें और उद्योग लगाया जा सके, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। उद्योग जगत में कई लोगों से इस संबंध में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने मुलाकात की है और उन्हें निवेश के लिए बिहार आने का न्योता दिया गया है। इस मुलाकात के दौरान चर्चाएं काफी सकारात्मक रहीं, साथ ही कई प्रस्तावों को सैद्धांतिक सहमति भी मिली है। इसी कड़ी में बिहार के मधुबनी में देश की प्रमुख सीमेंट कंपनी जेके लक्ष्मी सीमेंट निवेश करने की योजना बना रही है। सीमेंट कंपनी ने मधुबनी के लोहट इंडस्ट्रियल एरिया में सीमेंट प्लांट लगाने की इच्छा जाहिर की है। इसके बाद कंपनी को कारखाने के लिए बिहार सरकार ने समुचित जमीन मुहैया करवाने का आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू हो जाए। अररिया बकरा नदी में ध्वस्त हुए पुल मामले में जाने क्या हुई कार्रवाई। बीते मंगलवार को अररिया में बकरा नदी पर निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया है। ग्रामीण कार्य विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। विभाग द्वारा तत्कालीन सहायक अभियंता अंजनी कुमार और कनीय अभियंता मनीष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि अंजनी कार्यपालक अभियंता का भी प्रभार संभाल रहे थे। इस पुल की ठेकेदारी सिराजुर रहमान को मिली थी। विभागीय मंत्री अशोक चौधरी ने ठेकेदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि ध्वस्त हुआ पुल ग्रामीण कार्य विभाग की देखरेख में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा था।
पुलिस से एफआईआर नहीं कर रहे दर्ज, तो पुलिस की भी आप कर सकते हैं शिकायत। नागरिकों और उनके हक की सुरक्षा के लिए हमारे देश में पुलिस की व्यवस्था है। जिस क्षेत्र में जो पुलिस तैनात होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे वहां के कानून व्यवस्था को संभालें। ऐसे में हमारे साथ कुछ भी अन्याय या मारपीट या किसी भी तरह की घटना होती है तो उसकी शिकायत लेकर हम पुलिस के पास पहुँचते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आम लोगों को एफआईआर दर्ज करवाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार ये शिकायत आती है कि पुलिस आपकी बातों को टालने की कोशिश करते हैं या आपके एफआईआर को दर्ज करने से ही मना कर देते हैं। यदि ऐसा होता है तो आप भी संबंधित थाने या पुलिस की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के डीसीपी ऑफिस या कमिश्नरेट ऑफिस जाना होगा। यहाँ आप संबंधित पुलिस की शिकायत करने के साथ ही अपनी एफआईआर दर्ज भी करवा सकते हैं। बिहार के सब्जी उत्पादक दुबई और नेपाल में करेंगे सब्जी का निर्यात। सहकारी समितियों के सब्जियों को बिहार के सब्जी उत्पादक निर्यात करने की तैयारी कर रहे हैं। इन सब्जियों का निर्यात दुबई और नेपाल में किया जाएगा। इस संबंध में सब्जी उत्पादन एवं प्रसंस्करण के सहकारिता विभाग में समीक्षा बैठक हुई है। इसकी जानकारी खुद सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने दी है। मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा है कि उद्योग विभाग एवं कृषि विभाग से समन्वय स्थापित करें, व्यवसाय विकास के लिए तीनों संघों को योजना बनाकर उपलब्ध करवाएं, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में तीनों संघों को निबंधन कराएं, इससे सब्जी उत्पादक समितियों को प्रशिक्षण मिले। पीएनबी के खाता धारक हो जाए अलर्ट, वरना खाता हो सकता है बंद। यदि आपका बैंक खाता भी पंजाब नेशनल बैंक में है तो आपको भी अलर्ट रहने की जरूरत है। दरअसल उन सभी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे जिनके खाते से बीते 3 साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है या अकाउंट में 0 बैलेंस है। ऐसे खाते 30 जून तक बंद कर दिए जाएंगे। बैंक द्वारा सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए कहा गया है कि बैंक ने देखा है कि कई अकाउंट में बीते 3 सालों से ग्राहक द्वारा किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है और इनमें कोई बैलेंस भी नहीं है। ऐसे में इन खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम के तहत इन्हें क्लोज करने का फैसला किया गया है। यदि आपने भी बीते 3 साल में अपने खाते से ट्रांजैक्शन नहीं किया है और आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है लेकिन आप अपना खाता सक्रिय रखना चाहते हैं तो निर्धारित अवधि से पहले अपने अकाउंट को सक्रिय करना होगा। शिक्षा विभाग से तबादले के बाद के पाठक की नाराजगी की खबर आई सामने। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद से काफी सुर्खियों में आने वाले के पाठक को अब शिक्षा विभाग से हटाकर राजस्व और भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन मीडिया में चली खबरों के मुताबिक के पाठक ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग के दफ्तर में लगा अपना नेम प्लेट हटवा दिया है। मीडिया में ये खबरें देखने को मिल रही हैं कि के पाठक छुट्टी से लौटने के बाद राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। के पाठक ने खुद ऑफिस में फोन करके अपना नेम प्लेट हटवाया है। ऐसी चर्चा चल रही है कि के पाठक शिक्षा विभाग से ट्रांसफर के बाद नाराज हैं। आपको बता दें कि के पाठक की छुट्टी 30 जून को खत्म होगी। ऐसे में क्या वाकई ये बात सही है? इन अटकलबाजियों का इंतजार हमें के पाठक की छुट्टियाँ खत्म होने तक करना होगा। आज बिहार के इन जिलों में भारी बारिश की है संभावना। आज कई जगहों पर गर्मी से थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। कई जगहों पर मौसम को लेकर अनुकूल स्थिति बनी हुई है। मॉनसून बिहार की सीमा पर दस्तक दे चुका है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अररिया, किशनगंज, सुपौल और मधुबनी में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री, वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। अफ्रीका गए बिहार और यूपी के कामगार बनाए गए बंधक। बिहार और उत्तर प्रदेश के 21 कामगार रोजी रोटी की तलाश में अफ्रीका गए थे लेकिन यहां इन्हें बंधक बना लिया गया है। दरअसल बीते 1.5 महीने से इन्हें अफ्रीका के इथोपिया के यीशू पीएलसी ग्लैंड सिटी के कैंपस में बंद करके रखा गया है। इनके परिवार वाले भी काफी परेशान हैं। बेगूसराय के अमित कुमार के एक परिजन भी इसी में से एक है। अपने परिजन और अन्य लोगों को इस बंदी से निकालने के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय व गृह मंत्रालय में गुहार भी लगाई है। बंधक बनाए गए मजदूरों में से ही एक ने वीडियो जारी किया है। इसमें ये अपने साथ हुए अत्याचार का जिक्र कर रहे हैं, साथ ही गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें वापस भारत बुला लिया जाए। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस मामले को लेकर आश्वासन दिया है कि अफ्रीका से इस मामले में संपर्क किया गया है।
नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के लोकार्पण पर पीएम मोदी ने कहा, यहां आना मेरा सौभाग्य। बीते दिन पीएम मोदी नालंदा विश्वविद्यालय की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में आए थे। इस दौरान उन्होंने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों का अवलोकन किया। नए कैंपस के लोकार्पण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नई सरकार के कार्यकाल शुरू होने के 10 दिन के अंदर नालंदा आने का सौभाग्य मिला है। आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती हैं। नालंदा आना मेरा सौभाग्य है। नालंदा एक पहचान है, सम्मान है, बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने राहुल गांधी को बताया पीएम उम्मीदवार। बीते दिन बिहार के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में राहुल गांधी के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने केक काटकर राहुल गांधी के जन्मदिन का जश्न मनाया है। इस अवसर पर अखिलेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सक्षम है और उन्होंने इसे सिद्ध किया है। साल 2024 की सफलता इसी कहानी को बयां करती है। हमारी ख्वाहिश है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। पीएम बनने से कोई उन्हें नहीं रोक सकता है। एक दिन वे निश्चित रूप से ही बनेंगे। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जोड़ तोड़ से पीएम बन गए हैं, लेकिन असली हीरो राहुल गांधी ही है। रुपौली विधानसभा सीट से बीमा भारती ने नामांकन किया दाखिल। रुपौली विधानसभा सीट से बीमा भारती ने राजद उम्मीदवार के रूप में बुधवार को धमदाहा अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इनके नामांकन के बाद सभी अटकलों पर विराम लग गया है। नामांकन के दौरान राजद के कई जिला अध्यक्ष और कई कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा सीट में उपचुनाव होने जा रहा है। बीमा भारती के विरुद्ध जदयू से कलाधर मंडल और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल किया है। आज अफगानिस्तान के साथ भिड़ेगी टीम इंडिया। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला है। अब टीम इंडिया सुपर 8 में पहुंच चुकी है। इसमें अफगानिस्तान के साथ ही टीम इंडिया का पहला मुकाबला देखने को मिलेगा। आज वेस्ट इंडीज में ये मुकाबला होने वाला है। वेस्ट इंडीज की पिच यूएसए की पिच से काफी अलग है। ये पिच बल्लेबाजों के लिए भी काफी अनुकूल है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि भारतीय बल्लेबाज यहाँ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। भारतीय समय के मुताबिक ये मुकाबला आज रात के 8 बजे खेला जाएगा। आज होने वाले इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान मैच में इंडिया के तरफ से किस खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा रहने की उम्मीद है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1998 में विश्वनाथन आनंद ने वाल्दिमीर कैमनिक को हराकर 5वीं फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था। आज के दिन वर्ष 1999 में सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले दुनिया के 5 नगरों में क्रमशः मैक्सिको सिटी, पेइचिंग, संघाई, तेहरान और कलकत्ता शामिल हुए थे। आज के दिन वर्ष 2014 में प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। आज के दिन वर्ष 1958 में देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। पीएम कुसुम योजना के तहत निविदा की बढ़ी अंतिम तारीख। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 843 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े कुल 1235 कृषि या मिश्रित फीडरों के सोलराइजेशन के लिए निविदा भरने की अंतिम तारीख पहले 20 जून थी। अब इस तिथि को बढ़ाकर 4 जुलाई कर दिया गया है। ये कार्य पीएम कुसुम योजना के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है किसानों की आमदनी में वृद्धि करना और कृषि कार्यों के लिए राज्यों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए विभाग द्वारा नंबर भी जारी किए गए हैं। आप चाहें तो 7320924004 पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ठगी से बचने के लिए इन बातों का रखें ख्याल। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑनलाइन शॉपिंग करना बेहद ही पसंद है, लेकिन कई बार ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में हम फेक वेबसाइट या विज्ञापन में फंसकर ठगी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम कुछ दिशा निर्देश दिया है। टीम द्वारा कहा गया है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ओरिजिनल ऐप और वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर जाने से बचें, ये फ्रॉड हो सकता है। ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते समय सिक्योर वाईफाई कनेक्शन या इंटरनेट का ही इस्तेमाल करें। अगर ऑनलाइन शॉपिंग में आप किसी ठगी के शिकार हुए हैं तो www.cybercrime.gov.in पर या फिर टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 14 जून, ऑप्शन बी है 16 जून, ऑप्शन सी है 15 जून, ऑप्शन डी है 17 जून। इसका सही उत्तर है 16 जून। हाल ही में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले MD के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है दिलीप अवस्थी, ऑप्शन बी अमित गोयल, ऑप्शन सी है प्रवीण कुमार, ऑप्शन डी है दिनेश त्रिपाठी। इसका सही उत्तर है प्रवीण कुमार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। बिहार के किस स्थान पर जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए है बक्सर, ऑप्शन बी है चंपारण, ऑप्शन सी है चौसा, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर है चौसा। औरंगजेब ने बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए सईद खां को, ऑप्शन बी है दाऊद खां कुरैशी को, ऑप्शन सी है कुंवर मानसिंह को, ऑप्शन डी है मिर्जा यूसुफ को। इसका सही उत्तर है दाऊद खां कुरैशी को। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है नौशाद रजा, अंशु कुमारी, मुन्ना कुमार, राजीव कुमार, गुनर शर्मा, बाबूलाल मरांडी, कुश कुमार यादव, संजय कुमार शर्मा, जीवंत मंडल, अनवर करीम खान, अतीक खान, छोटू राजा, रूपा कुमारी, शोभानंद ठाकुर, राजीव भट्ट, रविशंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका सबसे भरोसेमंद बैंक कौन सा है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।